वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर जाइए कि आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जिसमें भी हैं आप क्या काम करते हैं और आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखनी है। हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी शर्मा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ कॉलेज, स्कूल या ऑफिस की प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप एक स्टेज पर से भी कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं या होस्ट कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाली है। सीक्रेट नंबर वन ऑफ अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन इज अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। आप जब तक अपने ऑडियंस को नहीं समझेंगे तब तक आप एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। ऑडियंस को समझने का मतलब है ऑडियंस का मूड, उनकी एज, उनका बैकग्राउंड और उनसे रिलेटेड हर वो जानकारी हासिल कर लेना जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर गोइंग टू लिसन टू यू। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। अगर आपकी ऑडियंस को हिंदी लैंग्वेज प्रेफरेबल है तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा हिंदी को यूज करिए, और अगर आपकी ऑडियंस एक इंग्लिश बैकग्राउंड की ऑडियंस है देन यू मस्ट प्रेजेंट इन इंग्लिश इटसेल्फ। ये बाकी भाषाओं के लिए भी यूज किया जा सकता है बट क्योंकि मैं पर्सनली प्रेजेंटेशन या तो हिंदी, इंग्लिश या फिर मिक्स्ड हिंदी एंड इंग्लिश में देती हूं इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूं। सेकेंड सीक्रेट इज टू क्रिएट अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन। यस, जब भी आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हो मेक श्योर कि आपकी पीछे जो स्क्रीन हो उस पर एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही हो। एक अच्छी प्रेजेंटेशन में तीन चीजें जरूर होती हैं। नंबर वन, द प्रेजेंटेशन इज टू द पॉइंट। मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स की जगह छोटे छोटे पॉइंटर्स हो। नंबर टू, आपके प्रेजेंटेशन में फैक्ट्स बहुत सारे हो या फिर फैक्ट्स ना हो तो एग्जाम्पल्स भर भर के हो। नंबर थ्री, आपके प्रेजेंटेशन में अगर स्टेटिस्टिक्स और डेटा नहीं है तो अभी उसमें स्टेटिस्टिक्स और डेटा ऐड कर लीजिए। लोगों को नंबर्स से जो फैसिनेशन है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तब हम ये सुनते हैं कि इतने पर्सन पीपल इस चीज को लाइक या फिर डिसलाइक करते हैं या इस चीज को ऑप्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से वर्क करने लग जाता है। स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल व्हेन यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन। और सीक्रेट टू गिविंग अ प्रेजेंटेशन लाइक अ प्रो इज योर इंटरैक्शन एलिमेंट्स। मैं आपको कुछ इंटरैक्शन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दूंगी जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी यू विल बिकम द स्टार ऑफ योर स्कूल स्लैश कॉलेज स्लैश ऑफिस। आप जिस भी फील्ड ऑफ लाइफ में हैं, अगर ये इंटरैक्टिव टूल्स आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन एक प्रो प्रेजेंटेशन बन जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चंस, आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक क्वेश्चन से शुरू या फिर एक क्वेश्चन से एंड भी कर सकते हैं। दिस लीव्स अ मेजर इंपैक्ट ऑन योर ऑडियंस या फिर दिस आल्सो अट्रैक्ट्स द ऑडियंस टुवर्ड्स यू। नंबर टू इज अ वीडियो। यू कैन इनकॉर्पोरेट अ स्मॉल वीडियो क्लिप फॉर एग्जाम्पल स्टेटिस्टिक्स या डेटा की या किसी एग्जाम्पल की आप वीडियो भी अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियोज ग्रैब अटेंशन ऑफ द ऑडियंस and they will start listening to you more seriously. Number three, a quiz. अगर आप openly लोगों से सवाल पूछते हैं और सही जवाब पर आपको reward देते हैं तो ये एक बहुत अच्छा element है younger audience को अपनी तरफ attract करने का। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि बड़े बड़े लोगों को भी competitive spirit इकट्ठा ला सकता है और आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। बट क्विज इज अ वेरी नाइस वे व्हेन यू आर केटरिंग एन ऑडियंस हु इज इन देयर टीनेज। नंबर फोर, असाइनमेंट्स। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्ट या एंड या फिर मिडिल में लोगों को कुछ टास्क देते हैं करने के लिए तो वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको सीरियसली लेते हैं और आपके प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे कि वो प्रेजेंटेशन का टॉपिक उन्हें बहुत टाइम तक याद रहता है एंड वो आपको भी बहुत टाइम तक याद रखते हैं। नंबर फाइव इज वॉलंटियर।
अगर आपकी ऑडियंस बिल्कुल ही स्कैटर्ड है तो आपको एक बड़े ग्रुप में से किसी एक पर्सन को वॉलंटियर करने के लिए बुला लेना चाहिए। जब हमारा कोई अपना स्टेज पे होता है तो हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और हम टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाते हैं। अगर आपने किसी बड़े ग्रुप में से एक पर्सन को वॉलंटियर करने के लिए अपने साथ खड़े होने के लिए बुला लिया है तो उनके साथ जो लोग होंगे ग्रुप में वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू बी ऑन द स्टेज विल आल्सो लिसन टू यू मोर केयरफुली एंड टेक यू वेरी सीरियसली। द लास्ट सीक्रेट टू अ प्रेजेंटेशन, जो कि एक सीक्रेट नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन हम कई बार इसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं और इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। The basic and the most important ingredient in a pro presentation is your speaking skills. आपकी speaking skills में अगर ये चार चीजें नहीं हैं, तो फिर आपकी presentation pro presentation नहीं बन सकती। Number one is simple. Your language should be very simple to understand and comprehend. क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो complex vocabulary को उतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जितना वो अपनी डेली की भाषा को अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑडियंस विद अ मिक्स्ड बैकग्राउंड वेयर देयर आर पीपल हु आर जस्ट 12th पास और ओनली ग्रेजुएट, या फिर जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो यंगर ऑडियंस को भी केटर कर रहे हैं, क्योंकि यंगर ऑडियंस की वोकैबुलरी इतनी बिल्ड नहीं होती और उनको कॉम्प्लेक्स वर्ड समझ में नहीं आ पाते एंड देयर दे लीव योर प्रेजेंटेशन एंड देन उनका मूड खराब हो जाता है, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन एक प्रो प्रेजेंटेशन नहीं होती। सेकेंड थिंग इज क्लियर, योर वॉइस शुड बी वेरी क्लियर एंड एवरी वर्ड यू स्पीक शुड बी वेरी मच क्लियर टू द ऑडियंस। इसमें एक और चीज है कि आपका जो माइक या फिर जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं, स्पीकर्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, उनको मेक श्योर कि वो उसी फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं जो बहुत क्लियर है। अगर आपकी आवाज फट रही है हॉल में या स्टेज पर, तो लोगों को आपकी प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं। थर्ड, मेक श्योर यू वेरी लाउड। हो सकता है कई जगहों पर आपको माइक ना मिले, मेक श्योर कि आपकी आवाज इतनी तेज हो कि वो सारी ऑडियंस को सुनाई दे रही है। अगर आप तेज नहीं बोल पा रहे हैं, देन मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड माइक सिस्टम। और अगर माइक सिस्टम में आवाज फट रही है, देन देयर इज नो नीड टू टेक अ माइक, जस्ट स्पीक वेरी लाउडली एंड मेक श्योर दैट द पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ताकि वो शांत बैठे। और अट्रैक्ट करने के सारे तरीके तो मैं आपको पहले तीन सीक्रेट्स में बता चुकी हूं। नंबर फोर, मेक श्योर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आपसे प्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक या कोई चीज छूट जाती है, मेक श्योर कि आपके ऑडियंस को पता ना चले, वो ये प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसलिए उन्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्या मिस करा है या क्या गलत बोल दिया है। मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जो भी आप बोल रहे हैं उसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीक स्लोली। आप एक ऑप्टिमम स्पीड बनाइए जिसपे आप बात कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा ही तेज ना बहुत ज्यादा ही स्लो। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये थे सारे तरीके जिनसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं A1 प्रो प्रेजेंटेशन। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया हो। नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखनी है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज अलास्का साइनिंग ऑफ।